कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। द सुपर बॉय के अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जैसे कि आपको पता है और हमारी लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी, हमने एक पैनासोनिक का UA7 मॉडल ख़रीदा था म्यूजिक सिस्टम। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो आपके सामने कर दी थी, पर जो इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन और जो इसके साथ प्रोडक्ट आए हैं बॉक्स के अंदर, उसकी हमने अनबॉक्सिंग आपके सामने नहीं की थी। आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके साथ म्यूजिक सिस्टम के साथ क्या क्या आया था। तो चलिए उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं उनकी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वायर है, ये देखिए इसकी वायर अलग से है, ये ली तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए लीड, ये इसकी पावर की लीड है जो कि लगभग 1.5 मीटर की है। तो ये पावर की जो लीड है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और ISI के द्वारा सेटिस्फाई है। तो ये वायर है इसकी और ये इसके म्यूजिक सिस्टम के बैक साइड में सॉकेट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कौन सी वायर कहाँ लगेगी और किस चीज़ का कहाँ यूज़ है उस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको हम साइड में रखते हैं और दूसरी प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसका एक एनवलप और है, इसके अंदर देखिए क्या है। ये जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मेंटेन इसको कैसे करना है इसका डॉक्यूमेंटेशन है, और ये जैपनीज भाषा में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। नेक्स्ट ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ किस चीज़ के लिए है पता नहीं, अभी चलो देखते हैं खोल के है क्या मेरे गाइस। ये कपड़ा है एक, ये डिस्प्ले साफ करने के लिए, और ये तो ऐसे ही है। चलो इसको भी साइड में रखते हैं, तो बाद में देखेंगे इसको कहाँ यूज़ करेंगे। ये सब कंट्रियों का बारे में है, कहाँ कहाँ कौन कौन से शोरूम है इसको बताएं गाइस। ये देखिए, ये इसका टेम्पर्ड भी साथ में आया है, ये देखिए टेम्पर्ड है इसका जो कि स्क्रीन पे लगेगा यहाँ पे ऐसे, ये स्क्रीन पे लगेगा टेम्पर्ड। और ये टेम्पर्ड जो है इसको साफ़ करने के लिए, जब इसको हम वायर को उतार देंगे, इसको जब हम उतारेंगे पन्नी को, तो इस क्लोथ से साफ़ करके और ये टेम्पर्ड इस पर लगाया जाएगा। तो चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये देखिएगा इसमें ज़्यादा सामान है, इसको देखते हैं। ये देखिए इसका यूज़र मैनुअल, आपको दिख रहा होगा पैनासोनिक का यूज़र मैनुअल है ये, इसको भी साइड में रखते हैं। और उसके अंदर जैपनीज भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में दोनों लैंग्वेज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की गई है। ये देखिए जैपनीज भाषा में और ये इंग्लिश में, तो आपको दिखाते हैं। तो अब ये रिमोट है, एक रिमोट आया है, इस रिमोट काफ़ी अच्छा रिमोट है और हार्ड है, देखिए ये एक हमारी ये FM की जो लीड है जो कि फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, ये लीड भी काफ़ी बड़ी है, देखिए कल लगभग 1.5 मीटर के आसपास होगी। और ये इसके होम थिएटर के बैक साइड में लगेगी म्यूजिक सिस्टम के, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये कहाँ लगेगी और
इसकी फ्रीक्वेंसी भी एक बार चेक कराएंगे क्या वाकई में फ्रीक्वेंसी पकड़ती है या ऐसे ही है, क्योंकि आजकल FM वगैरह कम सुने जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। और इसके अंदर ये देखिए एक सेल, और एक ये, इसका यूज़ नहीं पता पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा। ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, ये तो सेल भी नहीं आ सकता इसके अंदर, देखेंगे इसको बाद में मैनुअल में पढ़ेंगे इसका क्या यूज़ है, उसके बाद हम इसको यूज़ करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ आए थे, और का अगली वीडियो में आपको हम इसको चला के दिखाएंगे, और जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर लगा के दिखाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ लगेगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा सॉकेट है। तो चलिए अब वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।